लोगों से कोई जरूरत हो, एज अ सांसद मुझसे जरूरत हो या विधायकगण में से माननीय विधायकों में से किसी की भी जरूरत हो, दिन रात हम लोग आपके लिए उपलब्ध है। पर क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए हम लोग जितनी मदद हम लोग आपकी कर सकें उतना ज्यादा उपयोग आप लोग हम लोग का लीजिए। क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य धरातल पर उतरे, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रवासी सुविधा की राह पर और आगे बढ़े। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। लोजपा प्रमुख और जमुई से सांसद चिराग पासवान लंबे समय के बाद बिहार लौटे हैं और फिर से पॉलिटिकली एक्टिव अब वो नजर आ रहे हैं। इस बार चिराग पासवान अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में नजर आए हैं। तस्वीरें देखिए, जमुई में उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। दिशा की बैठक की अध्यक्षता खुद चिराग पासवान कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने बैठक को संबोधित भी किया है। क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, आप सुनिए। और इसके विकास में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान आप सब लोग का है, जितने भी विभाग के हमारे अधिकारी हैं। अगर आप सब मुस्तैदी से अगर इस क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित होकर अगर कार्य करेंगे तो मुझे लगता है कि शायद हम जनप्रतिनिधियों की जरूरत बहुत कम हो जाएगी। उसके लिए परियोगदान आप लोगों को देना होगा, उसके लिए संकल्पित आप लोगों को होना होगा। कहीं पर भी आपको लगता है किसी भी विभाग में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आ रही है, यहाँ पर जिला अधिकारी साहब मौजूद हैं, उनके समक्ष आप अपनी बातों को रखिए। एक सांसद होने के नाते मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, विभिन्न विधानसभा के हमारे विधायक विधायिका यहाँ पर मौजूद है। किसी के भी समक्ष आपको लगता है कि राजस्थान की कोई योजना है कहीं पर लंबित है, भैया अगर आप यहाँ पर मुख्यमंत्री से बात कर लेंगे, इस विभाग के मंत्री से बात कर लेंगे, तमाम विधायकगण मौजूद है, सांसद के रूप में मैं मौजूद हूँ, कहीं कोई केंद्र में आपको लगता है कि कोई योजना लंबित है उसके लिए हम लोगों को कहीं पर बात करने की जरूरत है। किसी भी तरीके की कोई भी मदद की अगर आपको हम लोगों से कोई जरूरत हो, एज अ सांसद मुझसे जरूरत हो या विधायकगण में से माननीय विधायकों में से किसी की भी जरूरत हो, दिन रात हम लोग आपके लिए उपलब्ध है। बस उम्मीद हम लोग इतनी रखते हैं कि आपके विभाग में कोई भी योजना लंबित नहीं रहे, बल्कि आप सब जितनी नई नई योजनाओं का निर्माण करें, जो जो नए नए आप लोग सुझाव लेकर आए, मुझे लगता है हमारे जिलाधिकारी महोदय साहब भी उस बात को उतना ही अप्रिशिएट करेंगे। जहां पर हम लोग आपके विभाग में आपके विभाग को बेहतर बनाने के लिए आपके विभाग के माध्यम से क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए हम लोग जितनी मदद हम लोग आपकी कर सकें उतना ज्यादा उपयोग आप लोग हम लोग का लीजिए। निरंतर डीएम साहब के संज्ञान में बातों को दीजिए, मेरे संज्ञान में बातों को दीजिए, माननीय विधायकों के संज्ञान में बातों को दीजिए। पर इस बात को सुनिश्चित कीजिए कि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास के कार्य धरातल पर उतरे, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रवासी सुविधा की राह पर और आगे बढ़े। एक नया पूरा एक सेटअप आज यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है, तमाम हमारे नए विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। मैं श्रेष्ठी जी का मैं स्वागत करूंगा, पहली बार जमुई से विधायक चुनकर आई हैं, इन्होंने राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शूटिंग में हम लोग के देश का हम लोग का गौरव बढ़ाने का इन्होंने काम किया है। सुमित जी हैं, पूर्व में भी इनका अपना अनुभव रहा है विधायक के तौर पर, मजबूती से इन्होंने भी तमाम अपनी बातों को यहाँ पर रखा। जिलाधिकारी महोदय साहब यहाँ पर मौजूद है, नव वर्ष है और एक पूरी नई टीम है, और ये पूरी नई टीम के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला ये जो साल है हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे जमुई लोकसभा के लिए एक बेहतर साल, एक जमुई जिले के लिए एक बेहतर साल साबित हो किसी भी तरीके की, क्योंकि पिछला साल हम लोगों ने देखा कई तरीके की अड़चने हम लोग के सामने आई, कोरोना काल को लेकर, कोविड को लेकर बहुत तरीके की समस्याएं व्यक्तिगत तौर पर भी क्षेत्र के तौर पर भी हम सबको झेलने को मिली। उम्मीद करता हूँ कि ये साल हम सब के लिए बेहतर साल होगा। मुझे लगता है हम लोग की आज की जो दिशा की बैठक रही है ये अगर पिछला अनुभव अगर मैं अपना देखूँ तो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट बैठक रही है, बहुत कम समय में ये बैठक पूरी हुई है। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो गुंजाइश बहुत कम रह गई है या फिर जानकारी कम दी गई है। पहला कारण जो भी हो मैं ये मानूंगा कि शायद सुधार की गुंजाइशों में अब हम लोग कमी लेकर आ रहे हैं, हम लोग कहीं ना कहीं अपने टारगेट्स को अपने लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि मुझे याद है कि शुरू के वर्षों में जब हम लोग बैठकें करते थे लंबी लंबी चलती थी, हर विभाग में कई योजनाएं काफी लंबित होती थी। बहरहाल मैं यही एक कारण मानना चाहूंगा कि ये बैठक छोटी रही।
तो बैठक के दौरान चिराग पासवान ने कई सारी बातें जनप्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारियों को भी कही है कि कोई भी समस्या हो तो सीधे लोग उनके पास आ सकते हैं, उनकी समस्याओं का जो निदान है वो चिराग पासवान खुद निकालेंगे। साथ ही साथ जितने भी अधिकारी हैं और जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने अपने अपने इलाकों की सभी जानकारियाँ विकास कार्यों से जुड़ी हुई सांसद को दी है। चिराग पासवान अब अपने संसदीय क्षेत्र में एक्टिव रहने वाले हैं। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।